Who moved my cheese? Dr. Spencer Johnson. Who moved my cheese? किसने हटाया मेरा चीज? बरसों पहले धरती के किसी एक छोर पर चार छोटे छोटे पात्र रहा करते थे। वे चारों भूल भुलैया में अपना पेट भरने और अपने आप को खुश रखने के लिए चीज के एक टुकड़े को ढूंढते थे। वह चार में से दो चूहे थे, नाम था उनका स्नीफ और स्करी। दो छोटे इंसान थे, इतने छोटे जितने छोटे चूहे थे, जो आज के इंसान जैसे ही दिखते थे और वैसा ही वर्तन करते थे। उनका कद छोटा होने की वजह से वह चार क्या करते हैं उस और ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं रहती थी, लेकिन अगर गौर से आप उनको देखें तो आप अत्यंत दंग कर देने वाली बात पाएंगे। हर रोज चूहे और इंसान भूल भुलैया में अपना विशेष चीज ढूंढते थे। स्निफ और स्करी के पास तो छोटे चूहे के दिमाग ही था, लेकिन अपने फूक फूक कर खाने लायक अपनी पसंद की चीज ढूंढने की अच्छी सी अंतः प्रेरणा थी। आमतौर पे चूहा जैसे करते हैं। चूहे और इंसान का फर्क होने के बावजूद उनमें कुछ समानता भी थी। हर सुबह वे हर एक अपना जॉगिंग सूट और रनिंग जूते पहन लेते हैं, घर से निकल पड़ते हैं और अपने प्रिय चीज को ढूंढने भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं। भूल भुलैया अवरोधक मार्ग और खानों का बना था, इसमें कुछ स्वादिष्ट चीज भी रखे थे, लेकिन यह भूल भुलैया में कुछ मार्ग अंधकार से भरे थे और बंद थे, जो कहीं जाते न थे। किसी के लिए भी इस भूल भुलैया में खो जाना बड़ा ही आसान था, परंतु जो इस भूल भुलैया में अपना मार्ग ढूंढ लेते थे उनके लिए अच्छे जीवन का मजा प्राप्त करने का रहस्य छिपा था। चूहे स्नीफ और स्करी सरल प्रयास करा भूल करो वाली पद्धति का प्रयोग करते थे। ऊपर एक मार्ग पर वे दौड़ते थे, अगर वह खाली होता था तो वापस लौटकर दूसरे मार्ग पर दौड़ते थे। उन्हें याद था कौन से खाने में चीज नहीं है और वे फौरन नए विस्तार में चले जाते थे। स्नीफ चीज की सामान्य दिशा में गंध लेता था, वह अपने महान नाक का प्रयोग करना उचित समझता था, और चूहा स्करी रेस में आगे रहता था। अपेक्षा मुताबिक वह अपना मार्ग भूल जाते थे और खो जाते थे, कभी तो दीवार से टकरा जाते थे, किंतु कुछ समय बाद अपना मार्ग ढूंढ लेते थे। चूहों की तरह दो छोटे इंसान हेम और हो भी सोचने की अपनी क्षमता का उपयोग करते थे और अपने पूर्व अनुभवों से सीखते थे। वे अपने जटिल दिमाग पर आधारित थे और इसी से चीज ढूंढने के आधुनिक तौर तरीके विकसित करते थे। कभी वे अच्छा कर लेते थे, मगर अन्य समय उनकी शक्तिशाली मानवीय मान्यता और भावनाएं उन पर हावी हो जाती थी और उनके देखने के नज़रिए पर काले बादल मंडराने लगते थे। इससे भूल भुलैये में उनका जीवन ज़्यादा जटिल गया था। स्नीप स्करी हेम और हो जो अपने अपने ढंग से जो ढूंढते थे न मिला, उन्हें उनके प्रकार का चीज एक दिन एक कॉरिडोर के छोर पर मिल गया। वह था चीज स्टेशन सी। उसके बाद हर सुबह चूहे और इंसान अपने सुबह की दौड़ के ड्रेस में तैयार होकर चीज स्टेशन सी की ओर रूटीन स्थापित कर लिया। चूहे स्नीफ और स्करी हर रोज सुबह जल्दी से उठकर भूल भुलैया में दौड़ जाते थे। हमेशा एक ही मार्ग का उपयोग करते थे। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते थे तब वह चूहे अपने दौड़ के जूते निकालकर अपने गले के आसपास बांध लेते थे, ताकि जब चाहे वे फिर ले सकें। अपनी चीज का मजा लूटते थे। प्रारंभ में इंसान हेम और हो भी हर सुबह चीज स्टेशन सी की ओर प्रयाण करते थे और उनका इंतजार कर रहे एक नए ग्रास का स्वाद लेते थे। हेम और हो रोजाना देर से उठने लगे, अपने कपड़े भी देर से आहिस्ता पहनने लगे। चीज स्टेशन सी की ओर जाने से में भी थोड़ा स्लो हो गए। उन्हें मालूम था इस वक्त उनका चीज कहाँ पड़ा है और वहाँ कैसे पहुँचना है। उन्हें यह जानकारी न थी कि वहाँ चीज कहाँ से आता था, कौन वहाँ रखता था। बस इतना सोच लेते थे कि उनका चीज वहीं होगा। जैसे ही हेम और हो चीज स्टेशन सी पर हर सुबह पहुँचते थे और वहीं जम जाते थे और वहीं अपना घर मान लेते थे। उन्होंने अपना जॉगिंग सूट लटका दिया, रनिंग जूते निकाल कर एक तरफ रख दिए और पैर में स्लीपर पहन लिए। अब उन्हें अपना चीज मिल गया था, इसलिए अपने को आरामप्रद महसूस करने लगे थे। यह तो खूब अजीब बात है, हेम ने कहा।
हमारे लिए जीवन भर के लिए यहाँ चीज है। यह छोटे छोटे इंसानों ने अपने आप को सुखी और सफल महसूस किया और सलामत मानने लगे। कुछ ही समय में हेम और हो जहाँ से अपना चीज मिल रहा था वह चीज स्टेशन सी को ही अपना घर समझने लगे। वहाँ चीज का जत्था इतना बड़ा था कि वे अपने घर को उसके करीब ले आए और वहीं आसपास अपनी जागतिक गतिविधियाँ जमाने लगे। वह अपने आप को ज़्यादा घर जैसा महसूस करने के लिए हेम और हो ने दीवालों पर कहावतें बनाकर लिख दी और उसके आसपास चीज के चित्र बना दिए और हंसते रहे। वह पढ़ा जा सकता था। चीज का होना तुम्हें सुखी रखता है, उन्होंने कुछ ऐसा कोटेशन लिखा दीवारों पर। कभी कभी हेम और हो अपने दोस्तों को अपने चीज का ढगला दिखाने ले जाते हैं और गर्व से कहते हैं, कितनी अच्छी चीज है। वह कभी भी अपने दोस्तों के साथ में रखकर चीज की महफिल जमाते हैं और कभी अकेले। हम इस चीज के हकदार हैं, हेम ने कहा। हमने इसे पाने के लिए भारी श्रम करा है। इतना कहने के साथ उसने चीज का ताजा टुकड़ा उठाया और खाया। इसके बाद हेम को नींद आई। वह प्रायः ऐसे सो जाता था। हर रात दोनों जब चीज भर कर डगमगाते कदमों से घर लाते थे और दूसरे दिन बड़े आत्मविश्वास के साथ फिर वापस आते थे। कुछ अरसे तक इसी तरह चलता रहा। कुछ समय के बाद हेम और हो का आत्मविश्वास सफलता से अहंकार में तब्दील हो गया। कुछ ही समय में वे इतने आरामप्रिय हो गए कि क्या हो रहा है उसकी उन्हें जानकारी हो नहीं रही थी। समय के साथ स्नीफ और स्क्रीन ने अपना रूटीन चालू रखा। वे दोनों चूहे हर सुबह जल्दी आ जाते थे, सूंघते थे, फूंकते थे और चीज स्टेशन सी के इर्द गिर्द दौड़ते भागते थे। इस तरह वे देख लेते थे कि अगले दिन था वैसा ही सब कुछ हो या किसी ने कुछ बदल दिया है। इसके बाद ही वे चीज पर बैठ जाते थे। एक दिन सुबह वह चीज स्टेशन सी पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई चीज न था। उन्हें आश्चर्य न हुआ। स्निफ और स्क्रीन ने नोंद ली कि चीज का स्टॉक दिन ब दिन घटते जाता है। तभी से उन्होंने इस वक्त की मानसिक तैयारी कर ली थी और ऐसे में क्या करना वह जानते थे। दोनों चूहों ने एक दूसरे के सामने देखा, गले में बांधे दौड़ने के जूते निकाले, पैरों में पहन लिए। उन्होंने हालात पे ज़्यादा सोचने पर कोई जोर नहीं दिया। चूहों के लिए समस्या और समाधान दोनों सरल था। चीज स्टेशन सी पर परिस्थिति बदल गई थी तो वह स्निफ और स्करी भी अपने को बदलने के लिए तैयार हो गए थे। दोनों ने भूल भुलैया पर नज़र डाला। स्निफ ने अपना नाक ऊँचा किया, गंध ली और स्करी की ओर सर हिलाया और स्क्रीन ने भूल भुलैया में दौड़ना शुरू किया। जबकि स्निफ हो सके उतनी ज़्यादा स्पीड से उसके पीछे भागने लगा। वे फौरन नया चीज ढूंढने निकल पड़े। बाद में उसी दिन हेम और हो चीज स्टेशन सी पर आ पहुँचे। उन्होंने कभी छोटे से बदलाव की और ध्यान दिया न था जो रोज़ाना हुआ करता था, इसलिए वे ऐसा मानकर ही आए थे कि वहाँ पर चीज होगा ही। उन्होंने वहाँ आके जो पाया उसके लिए वे तैयार न थे। क्या चीज ही नहीं है, हेम ने चिल्लाया। उसने चिल्लाना चालू ही रखा, चीज नहीं है, चीज नहीं है। जैसे ही वह अगर ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएगा तो शायद कोई चीज़ वापस रख जाएगा। किसने हटाया मेरा चीज, वह चिल्लाया। आखिरकार उसने अपने हाथ अपने कुल्हे पे रखे। उसका चेहरा लाल हो गया था और अपनी हो सके उतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, यह सही नहीं है। हो ने अपना सर हिलाया जैसे कि जो पाया वह उसका मन मान नहीं रहा। उसने भी चीज स्टेशन में चीज़ गिन के रखे थे। वह वहाँ लंबे अरसे तक खड़ा रहा, आघात से मानो जम सा गया। वह इसके लिए बिल्कुल ही तैयार न था। हेम ने कुछ चिल्ला रहा था मगर हो उसे सुनना नहीं चाहता था। जो हालात उसके सामने खड़े हो गए उससे वह मुकाबला करने को तैयार न था। तो उसने सारी बात दिल से निकाल दी। यह छोटे इंसानों का वर्तन ना ही आश्चर्यजनक था बल्कि आकर्षक था। ना उत्पादक
लेकिन समझा जा सकता था। चीज ढूंढना कोई आसान काम न था, इसका मतलब स्पष्ट था कि रोज चीज खाने की मेहनत से ज़्यादा करना होगा। चीज ढूंढना मतलब वो मानते थे वैसे सुखी होने का उनका मार्ग ढूंढना, चीज का मतलब स्वाद के अनुसार उनका अपना था। कुछ लोग के लिए चीज सिर्फ एक भौतिक पदार्थ था, औरों के लिए अच्छी सेहत का आनंद उठाना या फिर अच्छा रहने का एक ईश्वरीय संज्ञा को विकसित करना था। हो के लिए चीज का होना सिर्फ सलामती था, कभी एक परिवार होना और अच्छे एरिया में घर बसाना था। हम के लिए चीज का मतलब दूसरे के बड़ी चीज के लिए इंचार्ज बनना और शहर के सबसे ऊंची सोसाइटी वाले इलाके में मकान होना था। ये चीज उनके लिए मायने रखती थी। दोनों इंसानों ने अब क्या करना यह सोचने के लिए एक लंबा समय लिया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वह कुछ कर सकते थे तो बिना चीज के स्टेशन सी को गौर से देखना कि क्या सचमुच चीज गायब है। चूहे स्निफ और इसकरी फौरन दौड़ने लगे थे, जबकि हेम और हो का अभी तक सिर्फ बड़बड़ाना ही चालू था। उनको इसमें अन्याय की बू आने लगी। हो हताश होने लगा था कि अगर कल वहाँ पर चीज न होगा तो क्या होगा। उसने अपने भविष्य के निर्माण की नींव यह चीज पर निर्भर रखी थी। छोटे इंसान यह बात मानने को ही तैयार न थे। यह कैसे हो गया, किसी ने उन्हें चेतावनी तक नहीं दी थी। यह ठीक न हुआ था, यह ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हेम और हो उस रात निराश होकर भूखे ही घर लौटे। दूसरे दिन हेम और हो अपना घर छोड़ फिर चीज स्टेशन सिया पहुँचे। वहाँ उन्हें अभी उम्मीद थी उनका चीज किसी तरह मिल जाएगा। परिस्थिति बदली न थी, वहाँ चीज न था। यह छोटे इंसानों को मालूम न था कि क्या किया जाए। हेम और हो वहाँ दो बूंद की तरह खड़े थे। हो ने अपनी आंखें हो सका उतना जोर से मूंद ली, अपने दोनों हाथ कान पर रख दिए। वह सब रास्ते बंद कर देना चाहता था। वह यह भी नहीं जानना चाहता था कि चीज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। वह मानता था कि सारा चीज अचानक हटाया गया है, जबकि हेम ने स्थिति का जायजा लिया और उसके जटिल दिमाग ने और उसकी बड़ी सी मान्यता सिस्टम से नतीजा निकला। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मायने में हो क्या रहा है। अंत में हो ने आंखें खोली, आस पार नज़र डाली और बोला, लेकिन स्नेफ और इश्करी कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है जो हम नहीं जानते वह वे जानते हों? हेम बड़बड़ाया, वह क्या जानते होंगे? हेम ने आगे कहा, वे तो सादे चूहे हैं, उसकी उस वक्त प्रतिक्रिया दे देते हैं। हम छोटे इंसान हैं, हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमें यह ढूंढ निकालना चाहिए। मैं जानता हूँ हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, हो ने कहा, लेकिन यह परिस्थिति बदलने पर हमने जितनी होशियारी से काम लेना चाहिए नहीं लिया था। हमें क्यों बदलना चाहिए, हेम ने पूछा। हम छोटे इंसान हैं, हम विशेष हैं, ऐसी बात हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी, और अगर होती है तो उसका हमें कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। हमें क्यों फ़ायदा मिलना चाहिए, हो ने पूछा। चूँकि हम इसके हकदार हैं, हेम ने दावा किया। किसके हकदार हैं, हेम ने जानना चाहा। हम हमारे चीज के हकदार हैं। क्यों, हो ने पूछा। क्योंकि इस समस्या का कारण हमने खड़ा नहीं किया, हेम ने कहा, किसी और ने किया है, और इसमें से हमें कुछ मिलना चाहिए, हो ने सुझाव दिया। शायद हमने स्थिति का जायजा लेना बंद करना चाहिए और नया चीज ढूंढना चाहिए। ओह नहीं, हेम ने कहा, मैं इसकी जड़ तक जाना चाहूँगा। जबकि हेम और हो अभी तय नहीं कर रहे थे कि क्या करना। स्निफ और इश्करी अपने मार्ग पर अच्छे खासे आगे बढ़ चुके थे। वे भूल भुलैया में आगे बढ़े, ऊपर नीचे कॉरिडोर में घूमे, चीज ढूंढने लगे। हर चीज स्टेशन में जहाँ भी वे ढूंढ सके ढूंढते रहे। वे नया चीज ढूंढने के सिवा कुछ और सोचते ही न थे। कुछ समय तक उन्हें कुछ न मिला। आखिर वे भूल भुलैया के उस विस्तार में गए जहां अभी तक वे नहीं गए थे। वह था चीज स्टेशन एन। वह आनंद से चिल्ला उठे, उन्हें वह मिल गया था जो वह ढूंढ रहे थे। नए चीज का एक बड़ा सा जत्था, उनकी आंखें जैसे मान ही नहीं रही थी। यह चीज का सबसे बड़ा जत्था था जो चूहों ने आज तक नहीं देखा था। इस दौरान हेम और हो अभी भी स्थिति का मूल्यांकन करते हुए चीज स्टेशन सी में ही उलझे हुए थे। अब वे चीज न होने की असर महसूस करने लगे थे। वे हताश
और गुस्सैले हो गए थे और वे जिस स्थिति में थे उसके लिए एक दूसरे को बदनाम करते थे। अब हो को उनके मित्र स्निफ और स्करी की याद आ रही थी और सोच रहे थे कि क्या उन्हें नया चीज़ मिला होगा या नहीं। वह मानता था कि चूहे के बुरे दिन चल रहे होंगे क्योंकि भूल भुलैया में घूमना आम तौर पर अचौकसता निर्माण करता है, लेकिन वह जानता था कि यह आखिरी और कुछ समय के लिए ही है। कभी कभी हो कल्पना करता था कि स्निफ और स्करी नया चूट ढूंढ लेते हैं और मजे ले रहे हैं। वह सोचने लगा कि उसके लिए भी वह कितना अच्छा होगा कि वह साहस करने निकल पड़े और भूल भुलैया में घूमे और नया चीज ढूंढ निकाले, वह उसका स्वाद ले सके। होने अत्यंत स्पष्ट रूप से अपनी नई इमेजेस देखा कि जितना जल्द वह चीज स्टेशन से छोड़कर जाता है उतना ही ज़्यादा वह नया चीज पाता है। चलो जाते हैं, वह अचानक चिल्लाया। नहीं, हेम ने फौरन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, यह आरामदायक है, यही मैं जानता हूँ, इसके अलावा बाहर जाना जोखिम है। ना नहीं है, होने दलील की, पहले भी हम भूल भुलैया के अनेक हिस्सों में दौड़ चुके हैं और वैसा ही हम फिर से कर सकते हैं। मैं उसके लिए काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, हेम ने कहा, और मुझे डर है कि अब मुझे खो जाने में दिलचस्पी नहीं रही जो अपने आप को बेवकूफ़ साबित करे। क्यों, तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? उसके साथ ही हेम का निष्फल होकर वापस आने का भय और उसकी नया चीज पाने की उम्मीद उलझ गए। इसके बाद हर रोज ये छोटे इंसान वही करते रहे जो पहले करते थे। वे चीज स्टेशन गए, चीज न मिला, वापस घर आए, साथ में उनकी परेशानियां और हताशा भी थी। उन्होंने जो हुआ वह भूलने की कोशिश की, परंतु उन्होंने देखा नींद मुश्किल से आती थी, शक्ति कम हो गई थी और वह चिड़चिड़े भी हो चुके थे। उसका घर अब पहले जैसा पोषणक्षम स्थान नहीं था। यह छोटे लोग परेशानी में सोते थे और चीज न पाने का दुख स्वप्न देखा करते थे, परंतु इसके बावजूद हेम और हो अभी भी चीज स्टेशन में ही लौटते थे और रोजाना वहीं इंतजार करते थे। हेम ने कहा, तुम जानते हो हम अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि इतना कुछ खास बदला नहीं है, चीज नज़दीक में ही है, हो सकता है इस दीवार के पीछे छुपा हो। दूसरे दिन हेम और हो कुछ साधनों के साथ वापस आए। हेम ने फारसी पकड़ रखी और जब तक दीवार में गड्ढा न हुआ वह हथौड़ा मारते रहा। चीज स्टेशन से की दीवार में गड्ढा खोदने के बाद अंदर झाँका, परंतु अंदर कोई चीज न था। वे निराश हुए, मगर उन्हें उम्मीद थी कि उनकी समस्या सुलझ जाएगी। इस वजह से जल्दी लंबे समय तक और ज़्यादा कड़ी मेहनत की। मेहनत का नतीजा उस दीवार में और बड़ा खड्डा हुआ। शायद हमने यही बैठकर देखना चाहिए कि क्या होता है, हेम ने कहा। अभी या बाद में उन्होंने चीज वापस रखना ही पड़ेगा, हो भी वह मानना चाहता था। रोज वह घर जाकर आराम करता था और नामराजी से हेम के साथ चीज स्टेशन सी पर वापस आता था। अब तक तो यह छोटे इंसान भूख और तनाव से कमजोर हो चुके थे और परिस्थिति सुधरने का इंतजार करते करते थक गया था। उससे दिखने लगा था कि जितना ज़्यादा वह चीज बिना की स्थिति में रहेगा उतनी ही स्थिति ज़्यादा खराब हो जाएगी। हो जानता था कि उनकी समस्या का अंत अभी नहीं होने वाला है। आखिर एक दिन हो अपने आप पर ही हंसने लगा, बोलने लगा, हेम हेम हमारी ओर देखो, हम एक बात बराबर दोहरा रहे हैं और फिर भी आश्चर्य की बात है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। अगर यह मूर्खतापूर्ण नहीं है तो कुछ मजाक के पात्र ही तो हैं। हो को भूल भुलैया में फिर से दौड़ने का विचार पसंद न था, क्योंकि उसे मालूम था कि वह इसमें खो जाएगा और उसे यह भी मालूम नहीं कि उन्हें चीज मिलेगा भी या नहीं। वह अपनी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था जब उसने देखा कि उसका भय उसके साथ क्या कर रहा था। उसने हेम से पूछा, हमारे दौड़ने के जूते कहाँ रखे हैं? उसे ढूंढने में अच्छा खासा समय लगा क्योंकि उसने सब कुछ इधर उधर रख दिया था। जब उन्हें चीज का बड़ा स्टॉक हाथ लगा था तो उन्होंने मान लिया था कि शायद उन्हें अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेम ने देखा कि उसका दोस्त रनिंग के लिए तैयारी कर रहा है तो उसने पूछा, तुम सचमुच भूल भुलैया में नहीं जा रहे हो? तुम जा रहे हो तो बताओ तुम यहाँ मेरे साथ इंतजार क्यों नहीं करते हो जब तक हमें हमारा चीज वापस न मिल जाए? क्योंकि तुम्हें तो वह मिलता नहीं है, होने कहा। मैं ऐसा दोबारा नहीं देखना चाहता। अब मुझे एहसास हो चुका है कि लोग कल का चीज आज वापस नहीं रखने वाले हैं। अब हमें नया चीज ढूंढने का समय आ गया है।
हेम ने वकालत करी। लेकिन अगर वहाँ कोई चीज न हुआ तो, या अगर वहाँ है तो तुम्हें नहीं मिलता तो क्या करोगे? मुझे मालूम नहीं, होने कहा। उसने अपने आप उस सवाल बराबर पूछे थे और उसने भय महसूस किया वह वहीं का वहीं रह जाएगा। उसने अपने आप को प्रश्न किया, मुझे चीज मिलने की ज्यादा संभावना कहाँ है, यहाँ या भूलभुलैया में? उसने अपने दिमाग में एक चित्र तैयार किया। उसने अपने आप को देखा कि वह चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ भूलभुलैया में साहस कर रहा है। इस तरह के कल्पना चित्र से उसने आश्चर्य महसूस करा और उसे अच्छा भी लगा। उसने अपने आप को भूलभुलैया में खो जाते देखा। साथ में उसने आत्मविश्वास भी प्राप्त किया कि उसने नया चीज मिल जाएगा और सब अच्छी बातें होंगी। उसने अपनी हिम्मत इकट्ठी करी। उसने अपने आप को जालीदार स्विस चीज खाते पाया, उज्जवल ऑरेंज और अमेरिकन चीज, इटालियन मोजोरेला और आश्चर्यजनक ढंग से मुलायम फ्रेंच कैमेम्बर्ट चीज। और उसने कुछ कहते हुम हम की आवाज़ सुनी और ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर उसने महसूस किया कभी भी वह चीज स्टेशन सी में ही था। हो ने कहा, हेम कभी कभी हालत बदलता है और फिर ऐसे हालत फिर से आता नहीं है। यह कभी किसी जमाने की बात बन जाती है। यही है जिंदगी, जीवन चलता ही रहता है। और वैसे हम भी, होने अपने कमजोर साथी की ओर देखा, उससे समझदारी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन हेम के अंदर का भय गुस्से में परिवर्तित हो गया था। वह हो को सुनने को तैयार न था। वो अपने दोस्त के साथ बुरी तरह पेश नहीं आना चाहता था, परंतु उसे हंसी आती थी कि वह दोनों कैसे लगते थे। जैसे हो जाने को तैयार हुआ, वह ज़्यादा जीवंत महसूस करने लगा। जानता था आखिर तो वह अपने आप पर हंसने लगेगा। चलो जाते हैं, हो ने हंसकर जाहिर किया, यह मेज टाइम है। हेम हंसा नहीं और उसने कोई प्रतिक्रिया न दी। हो ने एक छोटा नुकीला पत्थर उठाया और दीवार पर एक गंभीर विचार लिखा ताकि पढ़कर हेम कुछ समझ सके, और उसकी आदत के अनुसार लिखावट के आसपास चीज का चित्र भी ड्रा किया, इस उम्मीद के साथ कि हेम से हंसने में और नए चीज के पीछे दौड़ने में सहायता मिलेगी। लेकिन हेम हो के लिखने की और नज़र करने तक तैयार न था। हो ने लिखा था, अगर तुम बदलते नहीं तो तुम सुसुप्त हो जा सकते हो। बाद में हो ने अपना सर बाहर निकाला और कुतूहल बस भूलभुलैया के अंदर देखा। वह सोचने लगा था बिन चीज की स्थिति में वह अंदर क्या करेगा। वह मानता था कि हो सकता है भूलभुलैया में चीज न हो या वह उसे ढूंढ न सके। ऐसी भय पैदा करने वाली मान्यता उसे करीबन मार दे रही थी। हो ने स्मित किया, वह जानता था हेम ताजुक करता होगा, किसने हटाया मेरा चीज। हालांकि हो को खुद भी और आश्चर्य हो रहा था कि मैं क्यों खड़ा होकर चीज के साथ फौरन गया नहीं। जैसे ही वह भूलभुलैया की ओर आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर देखा कि वह कहां से आया है, और उसे अच्छा महसूस होने लगा। इसे ऐसा लगने लगा वह फिर से कोई जाने पहचाने विस्तार में आ गया हो। हालांकि कुछ समय तक उसको वहां चीज न मिला था। वह ज्यादा उत्सुक और आश्चर्यचकित था कि क्या वह सचमुच भूलभुलैया में जाना चाहता था। उसने दीवार पर अपने ही सामने कुछ लिखा और एक नज़र उसकी ओर ताकते रहा। अगर तुम भयभीत न होते तो क्या करते, वो दीवार पर यही चीज़ लिखा था। उसने इसके बारे में सोचा। वह जानता था कि कभी कोई भय अच्छा हो सकता है। जब आप डरते हो और कुछ नहीं करते तो वह आपको कुछ करने को प्रेरित करता है, लेकिन यह अच्छा नहीं जब आप इतना डर जाते हो कि आप कुछ नहीं कर पाते। उसने अपनी दाई और भूलभुलैया के एक हिस्से को देखा जहाँ वह कभी न गया था और उसे डर महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली, भूलभुलैया में दाई और मुड़ा और हल्की सी दौड़ लगाई। वह अनजान रास्ता था, जैसे वह अपना मार्ग ढूंढने लगा हो। पहले तो चिंतित हुआ, उसे लगा चीज़ के लिए चीज स्टेशन सी में वह बहुत रुका। उसके पास बिल्कुल चीज न था और वह कमजोरी की वजह से भूलभुलैया में दौड़ना उसके लिए पीड़ादायक था। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि अगर उसे फिर चीज नहीं मिली तो वह उस आरामदायक जगह से बाहर निकलकर परिवर्तन को अपना लेना पसंद करेगा। उससे स्थिति सरल हो जाएगी।
बाद में हो ने एक स्मित किया। उसने सोचा उसका स्मित कमजोर था, भला देर से पर सूरज तो उगा, वह सोच रहा था। बाद के कुछ दिनों में हो को इधर उधर से कुछ चीज़ मिला, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। उसे उम्मीद थी कि उसे इतना चीज़ मिल जाएगा जो वह हेम के लिए भी घर ले जा सके और उसे भी भूल भुलैया में आने को प्रोत्साहित करे, लेकिन हो को इतना आत्मविश्वास महसूस नहीं हो रहा था। उसे कबूल करना पड़ा कि उसे भूल भुलैया में उलझन सी महसूस होने लगी थी। हालात पहले से ज़्यादा बदले बदले नज़र आते थे। जैसे उसने आगे बढ़ने को सोचा, उसे लगा कि वह कॉरिडोर में खो जाएगा। उसे लगता था कि उसकी प्रगति दो कदम आगे बढ़ती थी और एक कदम पीछे हटती थी। यह एक चैलेंज थी। हालांकि उसने माना कि भूल भुलैया में चीज़ का ढूंढना वह इतना बुरा न था जितना वह डर रहा था। समय जैसे गुजरता गया, वह ताज्जुब सी महसूस करने लगा कि नया चीज़ मिलना उसके लिए वास्तविकता सी होने लगी थी। उसने यह भी ताज्जुब किया कि उसने वह चबा सके, उसे ज़्यादा मात्रा में चीज़ इकट्ठा करा है। वह हंस पड़ा। हकीकत यह थी कि उसके पास उस वक्त चबाने के लिए भी कुछ न था। जैसे उसने निराशा का निर्माण होता था, वह बिना चीज़ की स्थिति में वह क्या कर रहा था और कितना परेशान था, वह बात याद कर लेता। उसे याद आया, अगर स्नीफ और इसकरी जैसे चूहे आगे बढ़ सकते हैं तो वह क्यों नहीं। बाद में उसने सारी हकीकत को पहले से देखा। उसने महसूस किया चेज स्टेशन सी पर चीज़ एक झटके से ख़त्म नहीं हुआ था। चीज़ की मात्रा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी और जो बचा था वह पुराना और बेस्वाद हो गया था। पुराने चीज़ पर फंगस भी लगने लगी थी। उसने इस बात पर गौर नहीं किया था। उसे कबूल करना पड़ा कि अगर वह चाहता तो क्या होने वाला था, उसका अनुमान कर सकता था, पर उसने वैसा नहीं किया था। होने अब महसूस किया परिवर्तन अचानक ताजुब के साथ नहीं आया। अगर उसने देखा होता जो हो रहा था, उस पर ध्यान दिया होता, तो वह भी परिवर्तन के साथ साथ बदल गया होता। वही तो शायद स्नीफ और इसकरी ने किया था। उसने नक्की कर लिया अब से वह ज़्यादा चौकन्ना रहेगा, वह बदलाव की उम्मीद रखेगा और उसका ध्यान रखेगा। वह उसकी मूलभूत अंतः प्रेरणा का विश्वास करेगा और जब कोई परिवर्तन आएगा तो उसका स्वीकार करेगा। वह कुछ देर तक रुका और फिर भूल भुलैया की दीवार पर लिखा, चीज़ की खुशबू बार बार लेते रहो ताकि कब बासी हो गया वह आप जान सकोगे। बाद में लंबे अरसे तक चीज़ न मिलने पर आखिर हो एक बड़े से चीज़ स्टेशन के पास आया। वह आशास्पद था। जब वह अंदर गया तो वह अत्यंत निराश हुआ जब उसने जाना कि यह पूरा चीज़ स्टेशन खाली है। यह खालीपन का एहसास मेरे साथ बार बार हुआ, उसने सोचा। उसे फिर सब छोड़ देने का मन हुआ। वो अपनी शारीरिक ताकत गंवा रहा था। वह जानता था कि वह खो गया है और अब वह नहीं बचेगा। उसे मालूम न था कि हकीकत में वह डरता किस चीज़ से है। उसने सोचा वापस जाकर चीज़ स्टेशन से में ही चला जाए, अगर वह ऐसा करता है तो वह वहाँ अकेला न पड़ जाएगा, चूँकि हेम तो वहाँ है ही। फिर उसने अपने आप को वही प्रश्न किया, अगर मैं डरता नहीं तो क्या करता। हो बार बार डर जाता था और अपने आप से कबूल करने में भी डरता था। यह हमेशा इस बात पर भी निश्चित न था कि वह किससे डरा है, परंतु अपनी कमज़ोर स्थिति में वह सिर्फ अकेला पड़ जाने से डरता था। हो यह जानता न था, परंतु वह बिछड़ रहा था क्योंकि डर के मारे उसका वजन कम होते जा रहा था। उसने दीवार पर लिखा, यह उसके लिए याददाश्त ताज़ा हो और उसके दोस्त हेम के लिए निशानी के रूप में आशास्पद स्थिति में की नई दिशा में हलचल आपको नया चीज़ ढूंढने में सहायता करता है। होने नीचे देखा, अंधेरा मार्ग था और वह अपने डर से वाकिफ था। आगे क्या होगा, क्या वह खाली होगा या उससे भी ज़्यादा खराबी जोखिम हमलों के लिए तैयार है। वह हर तरह के भय की कल्पना करने लगा। उसे खुद की मौत का भी भय लगता था। वह अपनी ओर हंसा। वह समझ गया कि उसका भय स्थिति को ज़्यादा खराब करता है, तो उसने वह अगर डरता नहीं तो वह क्या करता। वह करना शुरू किया। वह नई दिशा में आगे बढ़ा। जैसे ही वह अंधेरे कमरे में आगे बढ़ा,
उसने एक स्मित किया। हालांकि वह समझ न पाया, पर वह उसके आत्मा के पोषण की शोध में आगे बढ़ रहा है। उसने जो हो रहा है होने देने का निर्णय किया और विश्वास था उससे कि उसके लिए आगे कुछ जरूर है। उसे मालूम न था कि वह क्या पाएगा वहाँ पर। उसकी ताज्जुब के बीच हो ज़्यादा से ज़्यादा आनंद महसूस करने लगा था। मैं इतना अच्छा क्यों महसूस कर रहा हूँ, उसे आश्चर्य हो रहा था। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और मुझे यह भी मालूम नहीं कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। ज़्यादा समय तक उसे अच्छा लगने की वजह मालूम पड़े, वह रुका और दीवार पर फिर से लिखा। जब आप अपने डर की सीमा को लांघ कर आगे बढ़ते हो तो मुक्ति महसूस करते हो। होने महसूस किया कि वह अपने ही भय का बंदी बना हुआ था। नई दिशा के कदम ने उसे मुक्ति दिला दी। अब वह महसूस कर रहा था कि भूल भुलैया के उस हिस्से में ठंडा पवन आ रहा था और ताजगी दे रहा था। उसने कुछ उड़ीसा से ली और अपने हिमाचल से वह शक्ति भी महसूस करने लगा था। एक बार उसने अपने डर पर काबू पा लिया, उसे ज़्यादा आनंद महसूस होने लगा। उसने ऐसा ज़्यादा समय तक महसूस नहीं किया। वह करीबन भूल गया था कि कितने प्रकार के नए नए आनंद का मजा लिया जा सकता है। स्थिति को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए हो ने फिर कल्पना की रंगीन दुनिया में उड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को एक महान वास्तविकता की कगार पर देख रहा था। वह देख रहा था कि उसके पसंदीदा चीज़ के ठग पर बैठा है। वह देख रहा है कि वह अपनी पसंद का चीज़ खा रहा है और वह जो देख रहा है उससे भी आनंद मिल रहा है। और वह कल्पना करने लगा कि उसके फेवरेट टेस्ट का वह कितना मजा ले रहा है। उसने एकदम स्पष्ट रूप से अपनी छाया को नए चीज़ का मजा लेते पाया, एकदम वास्तविक, और वह मानने के काबिल भी था। वह महसूस कर रहा था कि उसे वह चीज़ मिलेगा। उसने लिखा, चीज़ के मिलने के पहले नए चीज़ के आनंद की कल्पना मुझे उसकी ओर ले जाती है। होने ताज्जुब कर रहा, वह हमेशा ऐसा क्यों सोचता था कि परिवर्तन कुछ ज़्यादा बुरा होने की ओर ले जाएगा। अब उसने समझ लिया कि परिवर्तन शायद उसे कुछ अच्छे की ओर ले जाएगा। मुझे यह पहले क्यों दिखाई नहीं दिया था, उसने अपने आप को प्रश्न किया। वह भूल भुलैया में ज़्यादा शक्ति और चुस्ती से दौड़ने लगा। कुछ ही समय में उसने चीज स्टेशन ढूंढ निकाला। वह उत्तेजित हो उठा जब उसने देखा द्वार के पास भी नए ताजे चीज़ के टुकड़े पड़े थे। उसने कभी देखा न हो ऐसा चीज़ वहाँ पर था। वह बहुत बढ़िया लग रहा था। उसने वह चखा और स्वादिष्ट लगा जो वहाँ पड़ा था। उसमें से कुछ चीज़ उसने खाया, कुछ बाद में उपयोग के लिए जेब में डाला। इसमें से कुछ शायद वह हिम के साथ भी बांटेगा। वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने लगा था। एक अजीब सी उत्तेजना के साथ वह चीज स्टेशन में दाखिल हुआ। उसकी निराशा के बीच वह चीज स्टेशन खाली था। कोई वहां पहले ही पहुंच चुका था और इधर उधर चीज के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसे समझ आ गई कि अगर वह फौरन चला तो उसे वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। होने वापस जाने को सोचा, शायद हेम उसकी सफर में साथ दे। जैसे उसने वापस जाने को कदम उठाए वह रुका और दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी तुम पुराना चीज़ छोड़ोगे उतना ही जल्दी तुम नया चीज़ पाओगे। कुछ समय के बाद वो चीज़ स्टेशन सी पर पहुंचा और हेम से जा मिला और कुछ नया चीज़ देने की कोशिश करी, परंतु उसने मुंह फेर लिया। हेम ने अपने दोस्त की भावना को सराहा पर कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे नया चीज़ पसंद आए। मुझे जिस चीज़ की आदत है वह यह नहीं है। मुझे मेरा अपना चीज़ वापस चाहिए और जब तक मुझे जो चाहिए वह नहीं मिलता मैं बदलने को तैयार नहीं हूँ। होने निराशा से अपना सिर हिलाया और नामर्जी के बावजूद वह अकेला ही वहाँ से निकल गया। जब वह भूल भुलैया के दूसरे छोर पर पहुँचा तो उसने देखा कि उसका दोस्त उसके साथ न था, परंतु उसने जो ढूंढ निकाला वह उसे पसंद आया था। वह था चीज़ का एक बड़ा सा जत्था। यह नया चीज़ था पर चीज मिलने से भी ज़्यादा उसे और बात का आनंद महसूस हो रहा था। वह अब भयभीत न था। उसे अब वह जो कुछ कर रहा था वह उस बात की खुशी थी। पहले जब बिना चीज़ के स्टेशन सी में वह महसूस करता था वैसे कमजोरी अब उसे नहीं लग रही थी। अब उसने देखा कि उसका भय उसे अब रोक नहीं पा रहा है। वह अब नई दिशा में जा रहा है जहाँ उसे पोषण और ताकत दोनों मिल रहे थे।
अब वह महसूस करने लगा था कि उसे जो चाहिए वह पाने के लिए सिर्फ थोड़े समय की जरूरत है। वास्तव में उसे ज्ञान होने लगा था कि वह जो चीज ढूंढ रहा था वह उसे मिल चुका था। उसने स्मृत महसूस किया, बिना चीज की स्थिति में पड़े रहने से ज्यादा सलामत है भूल भुलैया में चीज ढूंढना। उसने फिर महसूस किया कि तुम जिस परिस्थिति से भयभीत हो रहे हो वह इतनी बुरी नहीं होती जितनी तुमने उसकी कल्पना की होती है। अपने दिमाग में भय को पनपने देना वास्तविक हकीकत से ज्यादा बदतर है। वह नया चीज मिलने के मामलों में इतना डरा हुआ था कि ढूंढने निकलने को भी तैयार न था, किंतु जब उसने सफर प्रारंभ किया तब उसे इतना चीज मिलने लगा था जितना उसने कभी सोचा भी न था, जितनी उसने हिम्मत भी न की थी। अब ज़्यादा पाने के लिए वह आगे बढ़ने लगा था, परंतु जब से उसने चीज स्टेशन से छोड़ा तब से वह सब बातें बदल गई थी। वह मानने लगा था कि चीज कभी हटना नहीं चाहिए था, यह सही नहीं है। अब उसने माना कि परिवर्तन तुम चाहो या नहीं फिर भी होता ही है। परिवर्तन तुम्हें तब भी आश्चर्यदायक लगता है जब तुम उसकी उम्मीद नहीं करते और उसके लिए दौड़ते भी नहीं। जब उसे लगा कि उसकी सारी मान्यताएं बदल गई हैं तो वह दीवार पर लिखने के लिए तैयार हो गया, पुरानी मान्यता तुम्हें नए चीज़ की ओर नहीं ले जाती। अब तक हो को चीज़ नहीं मिला था, उसने अब तक जो सीखा उसके बारे में सोचने लगा। हो अब महसूस करने लगा कि उसकी नई मान्यता उसे नए मार्ग पर चलने को प्रोत्साहित करती थी। वहीं बिना चीज़ के स्टेशन की ओर लौटते समय अब वह अलग ढंग से वर्तन कर रहा था। अब वह जानता था कि तुम जो मानते हो उससे बदलोगे तो तुम जो करते हो वह भी बदल जाएगा। आप मान सकते हो कि परिवर्तन तुम्हें नुकसान कर सकता है और उसका विरोध करो, या नया चीज ढूंढना तुम्हारे लिए मददगारता हो सकता है, ऐसा मान सकते हो और परिवर्तन को गले लगा दो। यह सब आप क्या मानना पसंद करोगे उस पर आधार रखता है, उसने दीवार पर लिखा। जब आप देखते हो कि आप नया चीज ढूंढ सकते हो और आप उसकी मजा ले सकते हो तब आप दिशा बदल देते हो। वो जानता था कि चीज स्टेशन सी को जल्दी से छोड़कर और जल्दी से परिवर्तन को स्वीकार करके उसकी स्थिति अच्छे से सुधर जाएगी। वह मन और शरीर से ज़्यादा मजबूत बन गया, नया चीज ढूंढने में ज़्यादा आसानी से काम कर पाएगा। वास्तव में अब तक उसने समझ लिया था कि अगर उसने जो हुआ उस बात का इनकार करके समय की बर्बादी करने के बजाय मन को परिवर्तन के लिए तैयार रखा होता तो जो अब हो पा रहा है वह कब से पा लिया होता। उसने अपनी कल्पनाओं की गाड़ी हाँकना फिर शुरू कर दिया। अपने आप को उसने ज़्यादा चीज पाते देखा, उसने भूल भुलैया के अनजाने हिस्से में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ वहाँ से चीज के कुछ छोटे मोटे टुकड़े उसी को मिले, उन्हें अपना आत्मविश्वास और शक्ति पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। उसने वह जिस रास्ते में आया था वह रास्ते के बारे में सोचा। उसे इस बात का आनंद हुआ कि उसने दीवार पर अनेक जगहों पर लिखा था, इससे हेम को भूल भुलैया में उसके पीछे आना सरल हो जाएगा अगर वह चीज स्टेशन से छोड़ने को तैयार हो जाएगा। होने उम्मीद की वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसने सोचा। यह मुमकिन है कि उसके दीवार पर हस्ताक्षर हेम की ओर आने में सहायता करेंगे। उसने फिर लिखा, छोटे छोटे परिवर्तन जल्दी से ध्यान पर लेने से आने वाले बड़े परिवर्तन को स्वीकारने में सहायता मिलती है। अब तक होने वाला भूतकाल भुला दिया था और वर्तमान को स्वीकार कर लिया था। वह ज़्यादा गति और शक्ति से भूल भुलैया में घूमने लगा और कुछ ही समय में वह हुआ जो होना न था। ऐसे लगने लगा था कि अब वह सदा के लिए भूल भुलैया में रहेगा। उसकी सफर या कम से कम उसकी सफर का हिस्सा जल्दी और खुशियों से भरा हुआ था। वो एक रास्ते में आगे बढ़ रहा था और उसके लिए नया था। एक कोने से वह घूमा और उसे मिल गया नया चीज स्टेशन एन। जब वह अंदर गया उसने देखा वह दंग रह गया। सब जगह पर चीज के बड़े बड़े ठग लगे थे। इतना सारा चीज का जत्था उसने आज तक कभी नहीं देखा था। जो देखा वह उसके मन में नहीं आता था। कुछ चीज़ का प्रकार तो उसके लिए भी नया था। वह कुछ क्षण तक ताजुब के साथ देखता रहा।
कहीं यह उसकी कल्पना का चित्र तो नहीं। तभी उसे वास्तविकता पर विश्वास करना पड़ा और उसने अपने मित्र स्निफ और इस्करी को वहीं पर देखा। स्पिन ने अपना सिर हिलाकर हो का स्वागत किया। इस्करी ने अपना पंजा हिलाया। उनका मोटा सा पेट देखकर ही अनुमान करना संभव था कि वे यहाँ कभी से आए हुए हैं। हो ने त्वरा से उनके हेलो का उत्तर दिया और अपने पसंदीदा चीज के टुकड़े का स्वाद लेने लगा। उसने अपने जूते उतारे, दोनों जूते का तस्मा एक दूसरे से बांधे अपने गले के आसपास लटका दिया। हो सकता है फौरन उसकी जरूरत पड़े। स्निफ और इस्करी हंसे। उन्होंने प्रोत्साहन से ग्रुप में अपना सिर हिलाया। इसके बाद हो ने नए चीज पर टूटा। उसने चीज के ढंग में से थोड़ा खाने के बाद एक टुकड़ा उठाकर परिवर्तन के नाम चीयर्स किया। नए चीज का आनंद लेते हुए हो ने अब तक जो सीखा था उसकी याद उसके दिमाग में फिर उभर आई। उसने महसूस किया था जब वह बदलाव से भयभीत था तो जो था ही नहीं वैसे बासी चीज को पकड़े हुए भ्रम में रहता था। तो वह क्या था जिसने उसको बदल डाला था? क्या उसे भूख से मर जाने का भय था? हो हंसा, लेकिन इससे उसको निश्चित रूप से सहायता मिली। वह हंसा और महसूस किया कि जैसे उसने अपने आप को हंसना शुरू किया और जैसे उसे लगा कि वह जो कर रहा है गलत है, फौरन वह बदलने लगा। उसने माना कि जल्दी से बदलने का एक ही मार्ग है, अपनी बेवकूफ़ी पर हंस देना, जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना। वह जानता था कि आगे बढ़ने के लिए उसने कुछ उपयोगी बातें अपने चूहे दोस्तों से सीखी है। उन्हें जीवन का सादगी भरा जीवन पसंद था। उन्होंने कभी किसी बात को ज्यादा जटिल न बनाया, न ज्यादा कोई पृथककरण किया। जब स्थिति बदल गई और चीज हटाया गया तब फौरन वे खुद भी बदले और चीज के साथ आगे बढ़े। वह यह बात याद रखेगा। उन्होंने अपने अद्भुत दिमाग का भी इस्तेमाल किया था। चूहे कर सकते हैं इससे कहीं ज्यादा अच्छा काम छोटे इंसान कर सकते हैं। उसने अपने आप को वास्तविक हकीकतों के साथ देखा कि उसे कुछ अच्छा कुछ बेहतर मिल रहा है। वह मानता था कि बदलाव से काम पार करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। जब उसे आगे बढ़ने के लिए, सादा सरल रहने के लिए और ज़्यादा उचेले बनने के लिए आपको ज़्यादा सावधान रहना जरूरी है। तुम्हें किसी भी बात को ज़्यादा जटिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, न ही अपने आप को भय भरी मान्यता में उलझ जाना जरूरी है। कब छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए उसका ध्यान रखा जा सकता है ताकि आप आने वाले बड़े बदलाव के सामने ज़्यादा अच्छे ढंग से तैयार हो सकें। उसने कबूल किया कि जब तक आप खुद बदलते नहीं तब तक कुछ बेहतर नहीं होता। शायद अत्यंत महत्व रूप से उसने महसूस किया कि तुम पहचान पाओ ढूंढ पाओ या नहीं, पर बाहर नया चीज़ है। तुम्हें वह तब मिल सकता है जब तुम अपना भय भुला दो और साहस शुरू कर दो। वह जानता है कि कुछ भय आवकार्य है जो तुम्हें वास्तविक खतरे से दूर रखता है, परंतु उसने माना कि उसका ज़्यादा तर भय तर्कसंगत न था और उसे बदलाव से परिवर्तन से दूर रखता था। हालांकि तब उसे परिवर्तन की आवश्यकता थी। प्रारंभ में उसे परिवर्तन पसंद न आया, पर वह जानता है कि परिवर्तन उसके लिए आशीर्वाद बन के आया था। परिवर्तन से ही उसे नया बेहतर चीज़ प्राप्त हुआ था। उसने अपने आप को एक बढ़िया सा भाग चीज़ के पास पाया और उस चीज़ को ढूंढ निकाला। जैसे ही उन्होंने याद किया कि उसने क्या सीखा है, उसे अपने दोस्त हेम का स्मरण हुआ। उसे इस बात का आश्चर्य था कि हेम अभी तक हो ने जो दीवार पर लिखा था चीज स्टेशन शीर्ष से लेकर पूरे भूल भुलैया में देखा न था। क्या हेम ने कभी सब छोड़कर आगे बढ़ने को सोचा? क्या उसने भूल भुलैया में प्रवेश करके अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर ढूंढने का प्रयास किया, या फिर हेम वहीं कैद पड़ा रहा क्योंकि वह बदला नहीं था? हो ने सोचा। वह चीज स्टेशन से वापस जाकर हेम को देखा। अब आप ही सोचो, वो वापस गया, अगर उसे हेम मिला, उसने सोचा, वह उसे उसकी विषम स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगा। लेकिन होने महसूस किया कि उसने अपने दोस्त के बदलाव के लिए पहले से प्रयास कर लिए थे। हेम ने अपने आराम और भय को त्याग कर खुद की अपना मार्ग निकालना होगा। उसके लिए यह और कोई दूजा नहीं कर सकता था या इस बारे में उसे कोई बता नहीं सकता था। किसी भी तरह बदलाव के फायदे उसने खुद ही देखने होंगे। हो को मालूम था कि उसने हेम के लिए अपना मार्ग ढूंढने के लिए एक पटरी बना रखी है। अगर वह सिर्फ दीवार पर लिखा पढ़ ले तो भी उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा।
वह आगे बढ़ा। नए चीज स्टेशन एन की एक बड़ी सी दीवार पर उसने आज तक जो सीखा था उसका सार लिख दिया। उसके आसपास सोने एक बड़े कद के चीज का चित्र पेंट किए और उसने उस पर लिखा, परिवर्तन आता है, वह चीज को हटाते रहता है, परिवर्तन में हिस्सा लो, चीज हटाने की घटना के लिए तैयार रहो, त्वरित परिवर्तन का स्वीकार करो, जितना जल्दी पुराना चीज का त्याग करोगे उतनी जल्दी आप नई चीज पाओगे, परिवर्तन चीज के साथ चलो, परिवर्तन का आनंद लो, साहस करो और नए चीज का स्वाद लो, तत्काल परिवर्तन के लिए तैयार रहो और उसका आनंद लो, वह चीज को घुमाते रहता है। वह ने महसूस किया कि हेम का साथ छोड़कर वह चीज स्टेशन से कितना दूर आ चुका है, लेकिन जानता था कि अगर हेम चाहे तो यहाँ आसानी से पहुँच सकता है। वह हर रोज चीज स्टेशन इनका निरीक्षण करता था। वह किसी भी प्रकार के अवांछित परिवर्तन से आघात या आश्चर्य पैदा न हो ऐसा चाहता था। हालांकि हो के पास काफ़ी मात्रा में अभी भी चीज था, फिर भी वह भूल भुलैया में और जगह जाकर चीज का नया स्टेशन ढूंढ रहा था ताकि आगे के वक्त में परेशानी न हो। वह जानता था कि अपनी असली पसंद के बारे में जागृत रहेगा अपने आराम गृह में छिपे रहने से ज़्यादा सलामत है। उतने में होने कुछ सुना, उसने सोचा भूल भुलैया में किसी के चलने की आवाज़ है। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ बड़ी होती गई और वह समझ गया कि कोई आ रहा है। क्या हेम आ सकता है? क्या उसने अपने नुक्कड़ से घूमने का इरादा पक्का कर लिया होगा? हो ने एक छोटी सी प्रार्थना करी और उम्मीद करी जो वह पहले भी कई बार कर चुका था। आखिर उसका दोस्त थी शायद। चीज के साथ चलो और उसका आनंद उठाओ। दोस्तों यह कहानी यहीं तक थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मूव्ड माई चीज बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही बुक समरीज एंड वीडियोस अपलोड करता हूँ।